फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आईलाइनर्स, और वो आईलाइनर्स ही शेयर करूंगी जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जितने भी आईलाइनर्स है ना, आपको अंडर ₹150 में मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस होने के साथ साथ आईलाइनर्स काफी अच्छे हैं। मतलब मुझे अगर डेली बेसिस के लिए आईलाइनर्स चाहिए तो मैं इन्हीं का ही यूज करती हूँ। जो मेरे पास कलेक्शन है अंडर ₹150 का, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आईलाइनर्स है ना काफी अच्छे हैं। और इनमें भी सबसे अच्छा कौन सा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। क्योंकि क्या होता है ना, अंडर ₹150 में बहुत सारे आईलाइनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लैक्मे हो गया, एलेटिन हो गया, ब्लू हेवन हो गया, तो इस तरीके के ये जो ब्रांड्स है, खास तौर पे ये जो तीन ब्रांड्स हैं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इन्हीं के आईलाइनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको जानना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा रहता है, कौन सा ज्यादा स्टे करता है, और ये वाटरप्रूफ तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा आईलाइनर है जिसपे मतलब अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए वो बिल्कुल भी स्मच ना करे। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमारा आईलाइनर वाटरप्रूफ नहीं है तो थोड़ा सा हमें स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है, हमारा आईलाइनर ना यहाँ से बहना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा आईलाइनर वाटरप्रूफ नहीं है बट इतनी जल्दी वो स्मच नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि पसीना आया और बह गया, जानना चाहते हो इन सब में से कौन सा आईलाइनर अच्छा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वो आईलाइनर्स दिखाती हूँ जो मेरे पास है अंडर ₹150 और बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वो आईलाइनर्स दिखाती हूँ। गाइज, ये है वो पांच आईलाइनर्स जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अंडर ₹150 में आपको मिल जाते हैं, कवरेज भी बहुत अच्छी देते हैं, साथ ही साथ ये बहुत जल्दी स्मज भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारे जो ये आईलाइनर्स हैं इनके स्वेचेस दिखाऊंगी, इनकी कवरेज दिखाऊंगी, सब कुछ आपको डिटेलिंग प्राइस सब कुछ बताती हूँ। तो सबसे पहला जो आईलाइनर है वो है ये ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही अच्छा वाला आईलाइनर है, ₹150 का ये आपको मिल जाता है। अगर आप सेल के दौरान इसे परचेस करोगे ना, जब नायका पर्पल पे सेल चलती है, तो ये और ज़्यादा मतलब आपको अफोर्डेबल प्राइस में पड़ जाएगा। और इसकी जो कवरेज है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब आपको लाइट लगाना है, डार्क लगाना है, कि देखिए अगर लाइट लगाना है तो आप वन स्वाइप में ही इसका देख सकते हो किस तरीके की इसकी कवरेज आई है। अगर आपको डार्क करना है तो आप उसके बाद इसको एक बार और अप्लाई कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको डार्क कवरेज दे देता है। घंटों तक ये टिका रहता है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, वाटरप्रूफ है, तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा आईलाइनर है। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आपको ये आईलाइनर जरूर ट्राई करना चाहिए। आप एज अ काजल भी इसको लगा सकते हो, आपका काजल के तौर पर ये बिल्कुल भी स्मज नहीं करेगा। उसके बाद बारी आती है ये जो दूसरा आईलाइनर है, ये है L18 का आईलाइनर, और प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ₹85 इसका प्राइस है। मीन्स ये वाला आईलाइनर तो आपको अंडर ₹100 में पड़ गया, और कवरेज आप इसकी देखिएगा, अभी वन स्वाइप में ही ये आपको इतनी अच्छी कवरेज देता है, एकदम डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर है इसका, तो अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ एक अच्छे ब्रांड से भी है, कवरेज भी आपको अच्छी देता है, और इतनी जल्दी ये स्मज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जरा सी स्वेटिंग हुई और ये स्मज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा आईलाइनर है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे भी ट्राई करके ज़रूर देखो। उसके बाद बारी आती है, ये है बायोटिक का आईलाइनर, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर कर रखा है, और प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ₹120 इसका प्राइस है, ₹120 इसका प्राइस है, कवरेज अच्छी देता है, मतलब कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है, वाटरप्रूफ तो नहीं है, मतलब इतनी जल्दी स्मज भी नहीं होगा, वाटरप्रूफ नहीं है बट, लेकिन इसके साथ अगर एक प्रॉब्लम है वो है ये कि ये ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे L18 और लैक्मे का आईलाइनर मैं जब लगाती हूँ तो वो फटाफट से सूख जाते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है, काफ़ी देर लगा देता है सूखने में। मतलब अगर जल्दीबाजी में मुझे लगाना है, मान लीजिए मुझे बहुत जल्दी से वीडियो के लिए रेडी होना है, वीडियो शूट करना है, तो मैं इसे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, फिर ना सारा फैल जाता है, अच्छा नहीं लगता, बस यही इसके साथ प्रॉब्लम है। देन उसके बाद बारी आती है, ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर, और इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर है, और इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ये आईलाइनर सिर्फ ₹125 का, ₹125 का है, और साथ ही साथ ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, मतलब ₹125 में आपको एक अच्छे ब्रांड से भी मिल रहा है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, कवरेज भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी कवरेज है, डार्क ब्लैक कलर है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि अगर आप एक अच्छा वाटर प्रूफ आईलाइनर चाहते हो ना, तो आप इसे ट्राई करके देख लो, काफी अच्छा है ये।
लिंक मैं दे दूंगी आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इसकी ना वीडियो का भी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। अगर आपको इसकी डिटेलिंग वगैरह सब अच्छे से जाननी है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद बारी आ गई, ये है मेरा लैक्मे का, मतलब मेरा इतना ज़्यादा ये फेवरेट वाला आईलाइनर है ना कि मैं आपको शायद बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत सालों से मेरे को मतलब याद भी नहीं है कि मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद है। मतलब मैं जितने भी आईलाइनर्स ले लूँ बट ये मेरा फेवरेट रहता, मतलब मेरे कलेक्शन में रहता ही रहता है और मोस्टली इसका ही मैं यूज करती हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो वन स्वाइप पे ही जो ये आपको कमाल की कवरेज देता है ना, वो बहुत ही कमाल की है। इसकी प्राइस भी इतना अफोर्डेबल है, ओनली 130। तो मैंने आपको ये जो सारे आईलाइनर हैं इनके स्वेचेस आपको दिखा दी हैं। अब फिलहाल इनके ना सूखने का वेट करते हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, तो अब मैं आपको जो मेन चीज़ है ना वो दिखाने वाली हूँ कि अगर हमें स्वेटिंग हो जाती है या थोड़ा बहुत कभी होता है ना कि पानी वगैरह हमारे चेहरे पर आ गया, आइज़ वगैरह पर, तो ये समझ करेंगे या नहीं करेंगे या कौन सा वाला बहुत जल्दी करेगा, वो मुझे आपको दिखाना है। कवरेज देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है ना एलेटिन और लैक्मे की जो कवरेज है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और चलिए अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ, जो डेमो दिखाना है मुझे। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से पानी का स्प्रे कर रही हूँ अपने हाथ पे। अब आप देखिए, एक बार मैंने स्प्रे किया, आपको लगा ऐसा कि बिल्कुल भी कुछ स्मज किया, कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए मैंने फिर से खूब सारा स्प्रे किया है पानी का, आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो आईलाइनर्स हैं ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा पसीना आया और ये बह गए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये रहा स्केच आईलाइनर, आप देखो ये कितना अच्छा वाटरप्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं किया। मैंने अच्छी तरीके से इसको देखिए हाथ से रगड़ा है लेकिन ये स्मज नहीं किया। ये एलेटिन का था, देखिए ये वाटरप्रूफ नहीं है, लिक्विड था तो इसलिए स्मज करेगा ही। ये बायोटिक का था, ये भी मलने पर देखिए मैं रगड़ रही हूँ तो स्मज करेगा, बट ये वाला जो ब्लू हेवन का था उसने बिल्कुल भी स्मज नहीं किया है। लैक्मे वाले ने स्मज किया है क्योंकि ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ था इसलिए स्मज नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर जाए तो ये ब्लू हेवन के जो आईलाइनर्स है ना वो काफी अच्छे हैं अगर वाटरप्रूफ में आपको चाहिए तो। तो ये तो मेरे दो फेवरेट वाले हैं, मतलब ये तो मेरे पास हमेशा ही रहते हैं, चाहे कोई और हो चाहे ना हो, लेकिन ये लैक्मे और एलेटिन का तो मेरे पास रहता ही रहता है। तो ये दोनों तो मेरे कलेक्शन में रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर मुझे जो पसंद आए हैं वो हैं ये ब्लू हेवन के, मतलब ये काफ़ी अच्छे मुझे बहुत पसंद आए हैं, अफोर्डेबल प्राइस में हैं और ये साथ ही साथ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट ये जो बायोटिक का है ना, इसकी सारी बातें ठीक हैं, बस ये जो सूखता नहीं है ना जल्दी, बस इसके साथ यही प्रॉब्लम है। तो मैं इसका यूज़ तभी करती हूँ जब मेरे पास ना बहुत टाइम होता है, जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं आईलाइनर को अच्छे से सुखा सकती हूँ, तब मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको इन सब की डिटेलिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से बता दी है, आपको जो भी पसंद आया हो आप ले सकते हो, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी आपको पसंद आए आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने आपको सभी आईलाइनर्स दिखा दिए जो मुझे पर्सनली पसंद है, और इन सब में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है लैक्मे का। अभी भी मैंने जो ये अप्लाई कर रखा है ये है लैक्मे का, मुझे लैक्मे वाला बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर मैं सेकंड बेस्ट की बात करूं तो वो है मेरा एलेटिन का, क्योंकि इनकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और इतनी जल्दी ये स्मज नहीं होते हैं। वो आपको जो भी पसंद आए, आपको जो भी अच्छा लगता हो आप ले सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो। सबके लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे तो लोकल मार्केट में भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।